राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने भाटी को धमकी देने से इनकार कर दिया है। राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में आरोपी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की सफाई सामने आई है। रोहित ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, उसके नाम से किसी दूसरे शख्स ने ऐसा किया है। रोहित गोदारा ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रोहित गोदारा ने रविंद्र सिंह भाटी के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं।